नमस्कार राम राम आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी और जो दर्शक हमारे हैं उनको तो निवेदन करेंगे हम कि जो आज अभी इस वक्त जो रिपोर्ट हमारे पास आई है एक रिपोर्ट चशाना तहसील से आई है कि लोग किस तरह से जो पहाड़ी लोग हैं हम सोचते थे कि शरीफ लोग होते हैं लेकिन वहाँ भी बहुत शैतानी की हद पार कर दिया है एक कुंदर धान से अप टू पीएस पीएस मुलास तक पंचायत ममनकोट कोट का एरिया में एक रोड का फाइनल सर्वे हो गया लेकिन लोगों ने अभी उसको कंपोशेसन और क्लेम के लिए ये कहाँ तक सही है क्या वो नहीं सही है ये तो जो रोड का सर्वे वाला हैं या तहसीलदार साहब है या जो कर्सन अधिकारी है ये इसको वेरीफाइड कर सकते हैं और वेरीफाई करें इसको कि ऐसा कोई लोग अगर कोई सेल्फ के लिए एक एक मकान तो चलो ठीक है लोग बनाते हैं आपको पता है कि जहाँ फाइनल सर्वे हो गया है तो उसके बाद भी वहाँ दो दो मकान बनाए जा रहे हैं अब ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट है हमारे पास वार्ड नंबर सात विलेज ममन कोट और ये जो मोहम्मद अमीन सन्नाफ़ अब्दुल मजीद ये वहाँ पर दो दो मकानों का काम लगाया ये आप साथ साथ रिपोर्ट में देख रहे होंगे कि वो उस पहाड़ी एरिया में कि हम सोचते हैं कि वहाँ शरीफ लोग होते हैं और वहाँ ये चीज़ को उनको नि, नि, बुद्दीन लेकिन आजकल हमारा जो पहाड़ी एरिए भी लोग बहुत शैतान हो गए हैं क्योंकि देखिएगा रोड का सर्वे हो गया सब कुछ हो गया फाइनल हो गया जब फाइनल सर्वे हो गया है तो उसके बाद भी उस एरिए के लेके उस उस जहाँ से रोड जाना है उसमें क्या जरूरत पड़ी है कि एक मकान कच्चा बनाएंगे ताकि पैसे मिले और भाई उन पैसों का आप क्या करोगे क्या वो आपको ऊपर वाला अल्लाह ताला के आपको वो खाने देगा कि लेने देगा ऐसा ना करें देखिए जो ऊपर जो किस्मत में होता है वही मिलता है वो जो हाथ पीटने से वो कुछ नहीं होता मेहनत की कमाई करो और ऐसे ऐसे मतलब के सरकार को चूना लगा करके कि उसको कंपनसेशन मिल जाए क्लेम मिल जाएगा हमें रोड का सर्वे आएगा पटवारी से मिलेंगे उनसे मिलेंगे और उन सबसे मिल मिला करके क्लेम बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसा मिलेगा चलिए ये रिपोर्ट हम लोगों ने आपको साथ साथ दिखा रहे हैं और साथ साथ दिखाया भी है और आगे भी अंत में भी देखिए ये रिपोर्ट ज़्यादा नहीं है थोड़ी बत्तीस सेकेंड की रिपोर्ट है जो ग्राउंड से आई है हमारे पास वो कई लोगों ने उसको बार बार तोबा आर बार तोबा किया है कि ये ये क्या है ये ये क्या कर रहे हैं करने चाह रहे हैं लोग कि ऐसा सरकार को धोखाधड़ी ना करें और इससे ज़्यादा मैंने कहूँगा दर्शकों को से यही अपील करूंगा जो नए दर्शक हैं उनको कहूँगे फॉलो करना ना भूलें फेसबुक को जो चैनल आपका है मेरा नहीं है और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल आपके हैं ये आपकी ताकत है ये हमारी ताकत नहीं है दोस्तों हम चाहे वो कोई बुरा करेगा तो भी दिखाएंगे अच्छा करेगा तो भी दिखाएंगे चाहे सरकार तक सरकार बुरा करे हम सरकार का भी दिखाएंगे सब दुनिया को सच दिखाएंगे कि दुनिया किस तरह से किस तरह से कार्यक्रम करती है किस तरह से चलती है और ये रिपोर्ट कहाँ तक सही है कि गलत है क्या ऐसा करना चाहिए तो ऐसा सारे लोग करें फिर सभी लोग करें इस चीज़ को कि ताकि बेनिफिट सभी को मिले एक केला एक बेनिफिट लेकर के कि कितना एक करोड़पति बन जाएगा वो हमें नहीं पता है आप अपना कमेंट दे कर राय रख के जरूर इसको जरूर देखें और रिपोर्ट को जरूर देखें जरूर राय रखें कि क्या ये सही है अगर सही है तो ठीक है अगर गलत है तो क्या गलत है ये कमेंट करना ना भूलें और जो एडमिनिस्ट्रेशन या तहसीलदार साहब जो चसाना के हैं वो वहाँ जा कर के देखे और उस चीज़ को ये पब्लिक का वहाँ का कहना है कि वहाँ जा कर के वेरीफाइड के वेरीफिकेशन के, करे वेरीफाइड करे कि क्या वाकई ये सर्वे ऑन द रोड में है मकान के नहीं है हमारा काम था रिपोर्ट दिखाना और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको वेरीफाइड करना कि फैक्ट्स क्या है इसे ज़्यादा मैं ना कहते हुए बी एस राजपूत को दे कैमरामैन के साथ इजाजत जय हिंद नमस्कार